नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अपना खुद का 20 से 25 साल का बिजनेस अनुभव शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आपके पास बजट नहीं है, पूंजी कम है और आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं तो आप 5 से 6 मिनट का समय दीजिए। इस 5 से 6 मिनट के समय में हम आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब बिना कम पूंजी लगाए आप अपना ब्रांड बना करके मार्केट में उसे बेच सकते हैं दोस्तों, उसे पॉपुलर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो दो टाइप के ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं दोस्तों। एक तो होता है अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए और खुद प्रोडक्ट बनाइए, उसे मार्केट में बेचिए। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले भी आप अपने प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं, बेच सकते हैं, वो भी क्वालिटी बेस का। तो दोस्तों, हमने भी खुद ऐसे ही शुरू किया था अपना फार्मा कंपनी, जिसे कहते हैं दोस्तों मार्केटेड बाई। तो प्रोडक्ट पे क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चर बाई और मार्केटेड बाई। तो दोस्तों, आप मार्केटेड बाई किसी भी क्षेत्र में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो दोस्तों, आप किस क्षेत्र में लॉन्च करना चाहते हैं, कपड़े के क्षेत्र में, उसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई शर्ट बनवाइए, कोई जींस बनवाइए, साड़ी बनवाइए, बस उस पर अपना मार्केटेड बाई अपना लोगो लगाइए, मार्केटेड बाई अपने कंपनी का नाम लिख करके आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट नाम चॉइस कर लीजिए, उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा लीजिए, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर सके। अगर आप किराने से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी जो कंपनियां कर रही हैं उनसे दोस्तों आप अपना बनवाइए, 100 लीटर तेल, 200 लीटर तेल, जितना आप बनवाना चाहते बनवाइए, लोगो लगाइए, बस बेचिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके पास जाना है और उनसे बताना है कि मेरे प्रोडक्ट का नाम है, हमें इतनी क्वांटिटी में बनवाना है। अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तो दोस्तों एक ब्रांड नाम चॉइस करिए और चले जाइए जो WHO, GMP, ISO सर्टिफाइड कंपनियां हैं उनके पास। अब आप वहां पे जाकर के अपना कोई एक प्रोडक्ट बनवाइए, चाहे मल्टीविटामिन का कैप्सूल लॉन्च करिए, चाहे राइबोप्राजोल डोमप्रिडोन का लॉन्च करिए, चाहे पेंट्राप्राजोल डोमप्रिडोन का कैप्सूल लॉन्च करिए, चाहे सीरप लॉन्च करिए, या कोई एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक टैबलेट, बहुत टाइप के आते हैं। तो जो जितना प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, जाकर के दोस्तों प्रोडक्ट बनवाइए। बस आसानी से ना तो गोदाम चाहिए और ना तो आपको दोस्तों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, बस आसानी से किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें फ्लॉप होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, हो सकता है आपको सीखने में कुछ समय लगे। अब ऑलरेडी से 20-25 साल से जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, उनसे प्रोडक्ट बनवाइए, आप लॉन्च करिए। अब आप दोस्तों किस क्षेत्र में लॉन्च करना चाहते हैं, जूता चप्पल का लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों जूता चप्पल का भी आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है, मशीन लेने की जरूरत नहीं है। आप जूते का कोई डिजाइन फिक्स कर लीजिए, इस डिजाइन में हम लॉन्च करना चाहते हैं, इस कलर में हम लॉन्च करना चाहते हैं, या चप्पल आपको जैसे ज्यादा पसंद हो उस टाइप का आप स्लीपर बनवाना चाहते हैं, तो बस आपको डिजाइन सिलेक्ट करना है, बस एक नाम चॉइस करना है, नाम का ट्रेडमार्क करवाना है, बस चले जाइए जो ऑलरेडी पहले से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे जूता चप्पल बनवाइए, स्लीपर बनवाइए, जितनी क्वालिटी में, सस्ता बनवाना है सस्ता बनवाइए, महंगा बनवाना है तो महंगा बनवाइए, बस आप लॉन्च कर दीजिए, कुछ नहीं करना। और नहीं किसी में आप फार्मा हाउस में जाना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सीमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, या टाइल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, या हार्डवेयर में बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं उनका आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। एक प्रोडक्ट से आप अपने करियर की शुरुआत करिए। स्टेशनरी में जाना चाहते हैं, बुक आप कोई लॉन्च करना चाहते हैं, कोई दोस्तों आप नोटबुक लॉन्च करना चाहते हैं, पेंसिल पेन लॉन्च करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जाइए,
जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाइए, अपना लोगो लगाइए, बस मार्केट में आप इसे बेच दीजिए, एकदम अब तो आसानी से किया जाता है। अब दोनों में दोस्तों डिफरेंट क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो इसमें फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपके पूंजी डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं पे अगर यही चीज आप मार्केटेड बाई करते हैं इसमें फ्लॉप होने के चांसेस नहीं रहते हैं, इसमें पैसा डूबने का चांसेस नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मार्केटेड बाई में ना तो आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जितने में आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं जब चाहे तब उतने में आप बेच सकते हैं, आपकी पूंजी खाली हो सकती है। सिर्फ आपका पैसा वेस्ट कितना होगा, 5-6 हजार रुपए जो लगेगा एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाने में, रजिस्टर्ड करवाने में, बाकी आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपने मशीनरी लिया है, जो आप रॉ मटेरियल लिए हैं, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो कुछ ले रहे हैं दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश बिजनेस को नहीं चला पाए तो सारी चीजें कूड़े के भाव बिकती है, कबाड़ के भाव बिकती है। इसीलिए हम यही कहते हैं, सभी मित्रों से कहते हैं दोस्तों, जो हमारा अपना खुद का अनुभव है कि अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम क्यों डालें, हम जो ऑलरेडी मार्केटेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाएं, ला करके मार्केट में बेचना शुरू कर दें, आसानी से किया जाने वाला बिजनेस। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र में, जैसे किस क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुभव हमारे पास है, सबसे पहला अनुभव दोस्तों है फार्मा डिवीजन का। फार्मा डिवीजन में आप चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, कोई भी प्रोडक्ट आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फार्मा क्षेत्र में आप होलसेल का काम करना चाहते हैं, रिटेल का काम करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, किस दवा से शुरुआत करें, कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिकती, ए टू जेड जानकारी, छोटी सी बड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों आपको किराने से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित, इनमें से कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इनमें से कोई बिजनेस आप करना हुआ, जब करना हुआ दोस्तों, आप तुरंत पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको हमारी नीड हो, वो बिजनेस करना चाहते हैं और उन्हें कुछ जानकारी चाहिए, और सत्य जानकारी हमारे चैनल पर ही मिलती है, बाकी किसी के चैनल पर नहीं दोस्तों। सब लोग बिजनेस नहीं करते हैं, वो फिर दूसरे से पूछ करके या आप लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसी झूठी मूठी कहानियां या बिजनेस बता के आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिए हैं और वो आज बिजनेस को नहीं चला पा रहे, बिजनेस उनका फ्लॉप हो चुका है, उनके पैसे डूब चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पैसा ना डूबे, इसलिए हमने यूट्यूब पर आए और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप बिजनेस करना हो, तुरंत आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसको कितने कम से कम पूंजी में किया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।